नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब आप? आशा है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं जिनको सिर्फ हमारे हाथों के ही केक बहुत अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आज उन्हीं के लिए एक केक बनने जा रहा है। एक्चुअली उनकी बेटी का बर्थडे था और उन्होंने बोला कि उन्हें ऐसा केक चाहिए जिसको देख के उनकी बेटी जो है बेहद खुश हो जाए, और बजट फ्रेंडली चाहिए। ऑब्वियसली जो कस्टमर की डिमांड होती है उसी हिसाब से हमें करना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे कस्टमर्स को काफ़ी ज़्यादा हाई फाई इस तरीके से केक चाहिए रहते हैं, ज़रूरी नहीं है। और उनके बातों की रिस्पेक्ट करते हुए हमें बजट फ्रेंडली केक्स उनके लिए सजेस्ट करना होता है ना। सो आज का जो केक बनने जा रहा है एक छोटी सी गुड़िया के लिए है, जो कि डांस में इतनी सुपर्ब है, उसको बहुत बढ़िया डांस वो करती है, और उसके लिए ही मैं बना रही हूँ। सो जैसे कि मेरी फ्रेंड ने कहा था कि क्रीम बहुत कम लगाना, ठीक है। सोचा कि वैसे तो मैं क्रीम कम ही लगाती हूँ, बट मैं अपने तरफ से 100% करती हूँ जो भी काम मुझे करना है। आज का ये जो केक बन रहा है ये प्रीमियम चॉकलेट फ्लेवर में बन रहा है, और ये जो स्पॉन्ज है ना फ्रेंड्स, मैंने अपने खुद के प्रोफेशनल प्रीमिक्सेस से बनाया है। और उसके बाद ये जो है 1 kg केक बनाने के लिए आपको कम से कम 450 ग्राम तक का आपको स्पॉन्ज लेना ही है। अब देखिए, आप ये मत सोचिएगा जैसे कि मैं जैसे केक बनाती हूँ तो आपने देखा होगा कि गनाश मैं 2 times यूज़ करती हूँ, ठीक है। अभी इसका फ़ायदा क्या है, है ना? टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी देनी है ना, तो ऐसी क्वालिटी दो कि एक बार कस्टमर खाते हैं ना तो बार बार आप ही से मंगाएंगे और लोगों को वो सजेस्ट करेंगे। कुछ मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं वो कहीं और से केक लेते ही नहीं हैं, मतलब सीधा सीधा बोलते हैं कि प्रिया, हमें कहीं और से केक खाना बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। क्योंकि यही है कि जब आप हमेशा अच्छा टेस्ट देते हो ना कस्टमर को, तो कस्टमर कहीं और जाएंगे ही नहीं। तो जो आप जिस तरीके से बनाते हो, एक बार कस्टमर को जैसे केक्स पसंद आते हैं तो अपनी क्वालिटी कभी चेंज मत करो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं जो केक्स बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ, इवन मैं गनाश भी मार्केट से नहीं खरीदती। क्यों खरीदना है? आप आराम से घर में गनाश बना के रखो और आराम से रहेगा, काफ़ी दिन तक रहता है। फ्रीज़र में सिर्फ स्टोर करना है। अभी एक बात ध्यान रखना, गनाश और ट्रफल में डिफरेंस क्या है। गनाश आप 2:1 के रेशो से बनाओ, ट्रफल बनाना है तो 3:1 के रेशो से बना, ठीक है। मीन्स जैसे कि 2:1 मीन्स 200 ग्राम चॉकलेट और 100 ग्राम आपको लेना है क्रीम, ठीक है। और ट्रफल बनाना है तो 300 ग्राम आप ले लो चॉकलेट और 100 ग्राम ले लो फ्रेश क्रीम, ओके, वो ट्रफल बनेगा। बट मोस्टली मैं यहाँ पे गनाश ही यूज़ करती हूँ जब मुझे प्रीमियम चॉकलेट केक बनाना होता है, ठीक है। 2 times मैं लेयर लगाती हूँ, जिससे कि कट करने के बाद भी इतना सुंदर दिखता है वो लेयरिंग में। आप देखो, अभी लास्ट में भी जो टॉप में मैंने स्पॉन्ज रखा है उस पर भी मैं बढ़िया सी एक लेयर लगा रही हूँ। अब क्या होता है फ्रेंड, जैसे हैवी केक्स होते हैं, आप बड़े केक जब बनाते हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है बनाने में, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो आप क्या करो ना, स्पेशली इस तरीके से टॉपिंग में अगर आप लगाते हो गनाश, तो क्या होगा, एक बढ़िया सी लेयर आ जाती है। और फाइनली यहाँ पे एक बार इस तरीके से क्रम कोट करने के बाद एटलीस्ट आधा घंटा तो भी केक को चिल्ड करो, ठीक है ना, जिससे कि क्या होगा, फाइनल फिनिशिंग करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और हमेशा फ्रेश चीज़ें यूज़ करो, स्पॉन्ज को ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर आपके स्पॉन्ज सॉफ्ट है ना, तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती कि ओवर सॉफ्ट, मतलब होते हैं ना ओवर सॉफ्ट, अगर आप करते हो तो क्या क्या दिक्कतें आती है। ज़्यादा पानी से सोक करने से एक तो लीक हो जाता है, उसके बाद खाते वक्त वो स्पॉन्ज का टेक्सचर नहीं समझ में आता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वाटर स्प्रे करना है, ओवर बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई भी चीज़ ओवर मत करो, इवन क्रीम भी, ठीक है। हाँ, क्रीम आप अच्छी क्वालिटी की यूज़ करो।
अभी काफ़ी लोग ऐसे भी करते हैं कि क्रीम को और स्टेबलाइज करने की कोशिश करते, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सही तरीके से क्रीम को व्हिप करो। मेरे पेज पे भी काफ़ी सारे वीडियोज़ है, 2-3 बार मैंने क्रीम को व्हिप कैसे करना है वो मैंने बताया है। तो सिंपल बात है, अच्छे से आप अगर क्रीम को व्हिप करते हो तो अलग से स्टेबलाइजर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम में स्टेबलाइजर होता है, तो लिमिट के बाहर अगर आप स्टेबलाइजर यूज़ करते हो तो दैट्स नॉट गुड, है ना। तो सिंपल है, आप मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी क्रीम्स आती है, माविस की है, बेकर्स विले की है, अभी बेकर्स विले का पता नहीं आती है कि नहीं, बट हर जगह शायद अवेलेबल नहीं होती। ट्रॉपोलाइट में गोल्ड आता है, रिच का आता है ना। अच्छी क्वालिटी की क्रीम यूज़ करो, टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहेगा। देखो बार बार कस्टमर्स क्यों आते हैं आपके पास, आपके केक का टेस्ट देख के, है ना। डिज़ाइन तो है ही, डिज़ाइन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट टेस्ट भी मायने रखता है और पैसे भी मायने रखता है, मीन्स आपका प्राइस, ठीक है। ओवर प्राइजिंग मत करो, आप चार्जेस निकालो कि कितने चार्जेस लेना है। अभी देखो मेरा ऐसा नहीं है कि फ्रेंड है तो उसको कम चार्ज में देती हूँ, ऐसा बिजनेस और फ्रेंडशिप अलग जगह होती है, ये भी हमेशा अपने बिजनेस में ध्यान रखना, ठीक है। और फाइनली मैंने उसको बताया कि हाँ तुझे मैं सुंदर सा केक बना के दूंगी बजट में, ओके। तो वही बजट में उसकी बेटी के कुछ फोटोज़ मैंने भेजने के लिए कहा, और जैसे कि उसको डांस पसंद है तो डांस रिलेटेड सिंपली मैंने टॉपर्स कैनवा में एडिट कर लिए। गूगल से आप डाउनलोड करो, बहुत इजीली मिल जाते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं मैम कैसे किया कैसे किया, सिंपल है, गूगल से डाउनलोड करो, कैनवा ऐप का यूज़ करो एडिट करने के लिए। होप सो अच्छा लगा होगा आज का।